विधानसभा क्षेत्र चंबा में खसरा फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए शिमला से एक टीम यहां पहुंची है। 4 सदस्यों की इस टीम ने जडेरा सिल्लाघाट के क्षेत्र में 5 सैंपल एकत्र किए हैं। इन सैंपलों को टीम गोल्ड चैन में टंडा मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही इसका खुलासा होगा कि आखिरकार खसरे के अलावा कहीं अन्य बीमारी से तो बच्चे पीड़ित नहीं हैं। बहरहाल शिमला से पहुंची टीम के अलावा 9 टीमें क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाकर बुखार, जुकाम और खांसी से पीड़ित संक्रमितों की तलाश में डटी हुई है। टीम ने खुलासा किया है कि मेडिकल कॉलेज चंबा में सामने आए 4 मामलों के बाद बढ़ रहे मामलों में अब कमी आई है। देखिए, हम अपने प्रदेश सरकार के आदेशानुसार स्टेट रैपिड रिस्पांस टीम का एक गठन किया गया, उसी के मेंबर्स हैं। तो हम लोग 4 लोग स्टेट की तरफ से यहाँ पे जो फीवर और रैश का जो केसेस यहाँ निकल रहे हैं उनके स्टडी के लिए आए हैं। साथ में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेंट, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी एवं यहाँ के चिकित्सा अधिकारी एवं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर भी हमारे साथ हैं और एक करीब 6 टीमें बनी हुई हैं जो हमारे साथ घर घर जाके जो बुखार और बुखार के साथ रैश जो बोलते हैं रैश या फिर बुखार जुकाम खांसी वाले लोग हैं उनको ढूंढ रही है। तो 9 टीम्स हैं जो इनको देख रही हैं और ये लगातार 3-4 दिनों से ये केसेस ढूंढ रहे हैं। हम इनको सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि ये बीमारी है। 4 केसेस हमने मेडिकल कॉलेज टांडा में सैंपल उठाया, मेडिकल कॉलेज चंबा में इनकी ट्रीटमेंट चली थी। शुरू के जो केसेस आए थे जिनके सैंपल टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे, जहाँ पे मीजल्स का जो है डायग्नोसिस हुआ था, तो मीजल की आउटब्रेक को साथ रुबेला भी हो सकता है या कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो उसके लिए हम गहन जाँच करने आए हुए हैं। हमने यहाँ पे घर घर जाके आज जो सिम्टोमेटिक बच्चे हैं उनको जाँच की। हमारी टीम में पीडियाट्रिशियंस भी है, पीडियाट्रिशियन है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। तो हम सब ने मिल के आज कुछ सैंपल्स उठाए हैं। उन सैंपल्स को हम फिर कोल्ड चेन में टांडा मेडिकल कॉलेज भेजेंगे और हम देखना चाहेंगे कि अब जो ये बीमारी है इस वक्त क्या रूप ले रही है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आमतौर पे जो बीमारी ने जो केसेस बढ़े थे वो अब नए केसेस जो फ्रेश केसेस हैं वो घटते चले गए हैं। आज सिम्टोमेटिक के समय जो जिसको हम कह सकते हैं जिसमें रैश और फीवर मिला है वो सिर्फ एक ही मिला है और बाकी जो है वो ठीक होने के कगार पे आ गए हैं। तो हमारे यहाँ की जो चंबा की टीम है, जो हमारे चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जो टीम अगुवाई में जो टीम काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आह्वान करना चाहूँगा कि जो आपके दर्शक हैं वो ये देख रहे हैं, वो अगर उनके परिवार को या बच्चों में उनमें किसी को भी बुखार खांसी जुकाम उसके साथ में शरीर में धब्बे दाग धब्बे या रैश जिसे बोलते हैं वो अगर आता है तो वो उसको छोटे में ना लें और इमीडिएटली नियरेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर या हमारे जो अस्पताल हैं वहाँ जाके उनका इन्फॉर्म करें और उनका इलाज करवाएं, क्योंकि इसमें टीकाकरण की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमने ये भी पाया कि कुछ माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो टीका से वांछित रही। हमने देखा कि हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास किए कि उनको टीका लगे, बट क्योंकि माइग्रेटरी पॉपुलेशन है ये अपने जानवरों के साथ प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हायर रीचेस में चले जाते हैं, घासनियों में जहाँ पे उनको चारा वगैरह पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वो इस चीज़ से वांछित रह गए हैं। तो वहाँ ऐसे लोग जिनको टीकाकरण ना हुआ हो, जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके माध्यम से अगर जो उसमें अलग अलग समय पर जो टीके लगते हैं वो टीके ना लगे हों तो विभिन्न किस्म की वैक्सीन प्रिवेंटेबल इलनेसेस जो है वो होने का अंदेशा रहता है। उसी में से एक मीजल एक बीमारी है और इसमें जो भी बीमार होता है उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। विटामिन ए की डोज मिलती है और भी हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि आने वाले टाइम पे उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना हों और बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। धन्यवाद।